आराम आराम से गिरने का खतरा है। आपके इलाका तो बहुत खूबसूरत है आपका, है बाजी? इलाका तो बहुत खूबसूरत है आपका। अब मुझे कहाँ बिठाओगी? घास में? अच्छा, घास में इंटरव्यू दोगी? जी अच्छा, चलो महानूर मुझे घास में इंटरव्यू देगी। नाजरीन, ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, आपको इस तरफ हर तरफ दिखाई दे रहा है कि देहात ही देहात है, गांव है, और महानूर अल्लाह जाने मुझे कहाँ लेके जा रही है, मुझे भी नहीं पता। बस उसकी पीछे पीछे पूरी लाइन बनी हुई है, मुझे कहती है चलें घास में घास में घास में, और मैं महानूर के पीछे ही जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, मैं हैरान होती हूँ जब मैं पंजाब के सुबह पंजाब के ऐसे पसमंदा इलाकों में आती हूँ और ऐसे लोगों की कहानियाँ देखती हूँ, ऐसे लोगों की जिंदा दिली देखती हूँ कि इतना दुख इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी ये लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐ परवरदिगार, आज जुम्मा मुबारक है। ऐ परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, तूने हाथ दिए पैर दिए, किसी का मोहताज नहीं किया। ये मासूम सी बच्ची नागरीन, 12 साल की बच्ची है, डिस्टेबल है, ये पैरों से भी डिस्टेबल है, ये आपको पैर दिखाई दे सकते हैं, ये मासूम सी बच्ची पैरों से डिस्टेबल है, और ये आपको ये दो पैर इसके दिखाई दे रहे हैं। ये मासूम सी बच्ची का ये आगे का सीना निकला हुआ है, ये इसके इस जिस्म के आगे ऊपर हड्डी है एक बहुत बड़ा, जैसे किसी का पीछे पीछे वाला कुब निकल आता है, इसके आगे वाली जगह सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा चल नहीं सकती। तो इसका मुझे इनकी जिंदा दिली देखें कि मैं, इन्होंने मुझे बुलाया कि बाजी खुदा के लिए हमारे घर आएँ, हमारा इंटरव्यू करें, हमसे हमारे हालात पूछें, आए इनसे बात करते हैं और इनसे इनके हालात पूछते हैं, और मुझे ये यकीन माने, मुझे कहती हैं बाजी नहीं चलो चलो चलो, मैंने घास के अंदर वीडियो बनानी है, ये लोगों के खेत हैं, ये इन मासूम का एक शौक था कि मैंने घास के अंदर बैठ के आपसे वीडियो बनवानी है। मैंने कहा चलो बेटा, मैं आपकी घास के अंदर वीडियो बनाती हूँ। आए नाजरीन, महानूर है, महानूर से बात करते हैं और उनसे उनकी खुशी का इजहार पूछते हैं। कहती हैं बाजी मैं खुश हो रही हूँ, मेरा इंटरव्यू लेने आई है। कि महानूर आप क्या काम करती हैं? तो कहती हैं बाजी आप मुझसे जो पूछना चाहती हैं खुल के पूछे। आए महानूर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, महानूर कितने बहन भाई हो? नौ। नौ बहन भाई हो? अच्छा, ये बताओ तुम कौन से नंबर वाली हो? 12 साल। आपकी उम्र 12 साल है जी। और ये कब से तुम डिस्टेबल हो, पैदाइशी ऐसी हो जी? अबू अम्मी क्या करते हैं? हमें मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। और आप अपनी नानी अम्मा के साथ रहती हैं जी। स्कूल गई हो? हाँ, अब नहीं जाती। अब नहीं जाती, बचपन में एक दो बार गई थी जी। नाजरीन, क्या ना, महानूर की वीडियो बनाते हुए मैं, मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, फिर मैं इंटरव्यू अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने महानूर को कहा। महानूर अभी बैटरी तो नहीं है, मतलब माइक की बैटरी नहीं है, फिर भी पूरा इंटरव्यू लूँगी। नाजरीन, ये डिस्टेबल बच्ची है, इसके 9 बहन भाई है, गुर्बत की वजह से ये पढ़ नहीं पाई। आपको पता है पंजाब में मुस्तहिक इलाके होते हैं, बच्चे मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। ये अपने नाना नानी के साथ, इसके छोटे छोटे बहन भाई रहते हैं, माँ बाप इंटरव्यू में नहीं है, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो गन्ने के खेतों में मजदूरी करने गए हैं। दो बहनों की शादी हो चुकी है, बाकी 4-5 भाई हैं, वो फुल मासूम है। ये कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, इसके छोटे छोटे भाई हैं, इससे भी छोटे दो और हैं, ये अपनी नानी के साथ रहते हैं। तो महानूर जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देती है? आप गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं पाई, और देखने वाले बहन भाई को क्या पैगाम देना चाहती है? अगर वो तुम्हें कोई कारोबार, मतलब सिलाई मशीन करो, अगर तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ राशन मिला जाए तो तुम ये कर लोगी? नाजरीन, ये मासूम बच्ची है, मैं चाहती हूँ कि इसे हर महीने कुछ ना कुछ, हुकूमत इन लोगों पर ध्यान नहीं देती, ये भी मुसलमान है, पाकिस्तान का हिस्सा है। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
ताकि किसी ऐसे बहन भाई तक पहुंचे वो ऐसे उसके डिस्टेबल बच्चों की मदद कर सके। इसके पास कोई मजदूरी की कोई भी चीज़ नहीं है, ये चलने फिरने से कासिर है, बड़ी मुश्किल से ये सर्वाइव करके यहाँ तक आ सकती है। गुर्बत की वजह से ये मासूम बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, माँ बाप गरीब हैं, इसके पास इतने सर्वाइव नहीं है अच्छा कपड़ा पहन सके। ये अभी भी चाहती है मेरे पास अच्छे कपड़े हों, अच्छे जूते हों, मैं भी अच्छा खाना खाऊं, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं, इतना सर्वाइव नहीं है। तो खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी बहन भाई तक पहुँचे और वह ऐसी बच्ची की मदद कर सकें। स्पीकर माइक है नहीं तो मैंने बस इनसे इतना ही इंटरव्यू दिया, ज़्यादा ऊँचा नहीं बोल सकती, इसको सांस का प्रॉब्लम है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफ़िज़।